और बड़े भाई आशु के जितने भी हैं कार्यकर्तागण यहाँ पर उपस्थित, जितने भी मेरे भाई बंधु और आशु से जितने भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है। सबसे बड़ी बात है, हमको ये चीज पहली बार खुशी हुआ है कि यहाँ पर जब हम आए इस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जब आए, सबको पता चला कि आशु पार्टी में भरत कासे ज्वाइन किए हैं, तो सभी का सूचना सब क्षेत्रों में गया। लेकिन हमको ये विश्वास नहीं था कि इतना मेरे नाम से इतने आदमी जुटेंगे, हमको ये नहीं था। इसका मतलब है कि जागरूक का कमी यहाँ पर नहीं है। और सबसे खुशी की बात ये है कि हमारे जितने भी आशु पार्टी में जितने भी कार्यकर्तागण हैं, खासकर हमारे बड़े भाई सुदेश कुमार महतो एक युवा वर्ग के नेता हैं। इसमें किसी जाति पाति को मिला के नहीं चले हैं। इसमें खुशी है कि हम लोग को एक नवजीवक का जरूरत है यहाँ पर, जो हम लोग का बड़े भाई सुदेश जी हैं। इसे हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं यही कहूँगा कि इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है। इसे खुशी है कि हमारे क्षेत्र में कम से कम इनके नीचे हम रहें और हमेशा आशीर्वाद देंगे। बहुत जगह देखिएगा इस पार्टी में बहुत कोई घर छोड़ के चले गए हैं कहीं पर काम करने के एक बहाने से, लेकिन हम लोग को कोशिश करना है जो भी काम करने के बहाने से जो बाहर गए हैं, जो पूरा एकदम घर के लिए आमंत्रण करना है। आमंत्रण इस आधार से करना है कि जो भी आदमी अगर बाहर चले गए होंगे, सबको हम लोग सूचना देना है कि हटिया में फिर एक बार आशु का जो भी है बड़े भाई सुदेश कुमार महतो जी, उन्हें का हम लोग साथ सपोर्ट करके और एकजुटता के साथ हम लोग कोशिश करेंगे इस हटिया विधानसभा में किला के बाद फिर से हम लोग बगान बनाना है। ये भी याद कीजिएगा, जो भी हम लोग का केला का बगान है, तो जो भी चोर आए उसे लात मुर्का से मार कर भगाना है, ताकि हमको भी लगे कि हम लोग का जो पहचान है उस पहचान को हमेशा हर बार देखिएगा। झारखंड सरकार में सुदेश जी का, ये बड़े भाई का हमेशा अहम भूमिका रहा है। किसी भी न किसी तरीके से हम लोग का मंत्री पद में भी रहा है और झारखंड का विकास करने में हमेशा रूबरू आगे ही रहे। कोशिश करना है हम लोग को एकजुट होके, खास कर इतने मेरे चलते, मेरे वास्ते सुदेश जी का बड़े भाई के चलते हम लोग इतना भेंट किए हैं, तो कोशिश करना है कि जो भी हटिया में फिर से हम लोग के केला छाप को फिर से हम लोग को एकजुटता ला के और हम लोग को विधायक करूँ लोग, ताकि आगे हम लोग का क्षेत्र में भी भारत काशी के साथ साथ इसमें सभी क्षेत्र का विकास हो। हमारा आशु पार्टी एक पार्टी नहीं, एक हम लोग का परिवार के समान है, ताकि परिवार में हमेशा देखेगा इस पार्टी में हमेशा छोटे बड़े बहुत आदमी, बड़े बूढ़े, दीदी, माँ, सभी को हम लोग मिला जुला कर चलने का काम किए हैं। और कोशिश है कि हम लोग को सब स्थिति पर सम्मानजनक सबको इज्जत प्रतिष्ठा मिला है। यही सब कह के अपने वाणी को विराम करते हैं।